हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, दैट इज व्हाट आर द मस्ट डू थिंग्स व्हेन यू एंटर इन कनाडा और मे बी यू आर इन कनाडा। सो गाइस, बहुत सारी लिस्ट है इस चीज़ की कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना पड़ता है जब आप कनाडा में होते हैं। बिफोर जंप टू द वीडियो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अल्बर्टा के अंदर इस टाइम पर वाइल्ड फायर लगी हुई है, जिसकी वजह से आप ये जो चारों एनवायरनमेंट देख रहे हैं ना तरफ आपका, ये पूरा आपको लग रहा होगा कि रेन होने वाली है या फिर थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है गाइस। ये एक्चुअल में स्मोक है जो कि आपकी वाइल्ड फायर की वजह से हवा के अंदर मिक्स हो चुकी है। एंड हम लोग आजकल अगर कहीं पर कम्यूट कर रहे हैं तो मास्क भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो फायर है वो बहुत बड़े लेवल पर लग चुकी है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट वी रियली नीड टू प्रे फॉर ऑल दी वाइल्ड एनिमल्स जो वहाँ पर इस टाइम पर इस फायर की वजह से अफेक्टेड है। एंड जो हमारे फायर फाइटर्स हैं, सल्यूट टू देम गाइज, दे आर डूइंग देयर वेरी टफ जॉब दिस टाइम एंड सेविंग आर लाइफ सो दैट वी कैन बी लाइक कंफर्टेबल इन द सिटीज। फर्स्ट पॉइंट है, डैट इज़ आर ड्राइविंग लाइसेंस, कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस हम आते ही बनवा लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके आपको दो बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट बेनिफिट कि आपके पास अब एक फ़ोटो आईडी है और एक एड्रेस प्रूफ है, जिसको आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो द सेकेंड बेनिफिट ऑफ हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस इज दैट यू विल गेट योर रिडक्शन इन योर इंश्योरेंस। अब वो कैसे, कि आप अगर आज अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं एंड इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई कार या व्हीकल आप परचेज कर रहे हैं, तो आपकी जो उस टाइम पर इंश्योरेंस बनेगी, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक वन ईयर या सिक्स मंथ का पुराना है, तो उसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस अमाउंट जो होगी वो कम हो जाती है। सो गाइज, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, डैट इज टू गेट अ फैमिली डॉक्टर। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कि अगर आप कैनेडा में हैं और आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसे, जस्ट इमेजिन कि आपको कोई इमरजेंसी आ गई है और आप जाते हैं किसी भी मतलब क्लिनिक के अंदर वॉक इन करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अगर अपने केस को बोलते हैं कि मुझे कंसीडर कीजिए या अपॉइंटमेंट दीजिए, तो सम ऑफ द केसेस दे कैन डिनाई योर एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज दे नीड योर बैक हिस्ट्री, और बैक हिस्ट्री आपकी कैसे बनती है, व्हेन यू हैव योर फैमिली डॉक्टर। सो व्हेन एवर यू आर हेयर इन कैनेडा, so visit the clinic and get your family doctor as soon as it is possible. So next point है हम लोगों का tax your file। डजेंट मैटर कि आपकी जो इनकम है वो अभी ज़ीरो ही है, आपने जॉब करना स्टार्ट नहीं किया है। ऐसा करना क्यों इम्पॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज अगर आप अपना टैक्स फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर GST, HST, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं। देन आपके पास अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप अपनी बच्चों की सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने डे केयर सब्सिडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डैट इज़ योर रेंटल सब्सिडीज़। कई ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर आपकी जो एक लिमिट होती है वो चेक करने के बाद CRA आपको रेंटल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। तो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स इसके अलावा भी जो आप चेक कर सकते हैं, बट ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आपने अपना टैक्स फाइल किया होगा। सो डोंट मिस ऑन योर टैक्स फाइलिंग। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डैट इज सोशलाइज योरसेल्फ।
सोशलाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम अपनी जनरली फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को बहुत मिस करते हैं. और सिर्फ इसलिए नहीं गाइस कि हम लोग मिस करते हैं, बट अगर आपको किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर, नए कल्चर के अंदर एडजस्ट होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कुछ कनेक्शंस डेवलप करना स्टार्ट करो, नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो. हमारे माइंड में डेफिनेटली आता है कि हम करें कैसे, बिकॉज वी आर वेरी न्यू टू दिस एरिया, राइट? तो हम कैसे स्टार्ट करें? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, स्टार्ट नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन. आई मीन आप अपनी जॉब रिलेटेड नेटवर्किंग लिंक्डइन पे स्टार्ट कर सकते हैं. आप अपनी कम्युनिटीज के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, वहां विजिट कर सकते हैं. गाइस वहां पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो आप वहां जाके पता कर सकते हैं स्केड्यूल्स का, और अगर आपके स्केड्यूल्स मैच होते हैं तो यू कैन ज्वाइन दोज इवेंट्स. सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो आपको ये इवेंट्स जो है वो ज्वाइन करते रहना चाहिए. इससे आपकी एक कनेक्टिविटी बनेगी, आप लोगों के साथ मिलेंगे, यू विल फील बेटर, एंड लोग भी आपको जानेंगे, तो दैट विल बी गुड फॉर यू. सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज बी सेफ फ्रॉम स्कैम्स. तो गाइज ये लोग जनरली ना आपको इस तरीके के फेक कॉल्स करते हैं. आपको कोई भी स्कैम कॉल एंटरटेन नहीं करना है. थोड़ा सा क्लेवरली काम कीजिएगा कि आप अभी यहाँ पर नए हैं, राइट? तो अभी आपके पास कोई भी रिलेवेंट चीज़ें नहीं है करने को. आपको अगर बैंक से कॉल आता है कि आप अपना सिन नंबर दे दीजिए, आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्री पेंडिंग है, तो गाइज प्रेफर कीजिए कि आप अपने बैंक जाके पहले कन्फर्म कर लीजिए कि क्या कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसको आपका चाहिए है, तभी आप वहाँ जाके मतलब उसको एंटरटेन कीजिए. अदरवाइज कॉल पर आप कभी भी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है कभी भी शेयर मत कीजिए. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स गाइस. सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज डोंट गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल. हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें खरीदनी है. गाइज यहाँ पर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके अंडर आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो बहुत इजीली. आप कोई भी गैजेट्स, फ़ोन, गाड़ी, कुछ भी खरीद सकते हो. लेकिन क्योंकि आप अभी न्यू आए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. अभी आपको एनवायरमेंट में एडजस्ट करना है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, तो अपने एक्सपेंसेस को मत बढ़ाइए. हाँ, इट्स वेरी गुड कि आप अपनी फर्दर जब चीज़ें लेते हैं तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है. अगर आपको वाकई ही किसी चीज की जरूरत है, जैसे आप बहुत दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं अपनी जॉब के लिए, एंड आफ्टर 6 मंथ और 4-5 मंथ्स आपको लगता है कि आपके पास वहां पर बस सर्विसेज अच्छी नहीं है, या आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और आपको अब गाड़ी लेनी है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पर गाड़ी लीजिए और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए, क्योंकि वो क्रेडिट हिस्ट्री आपको फर्दर लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाली है. लेकिन आप अपना कोई भी फिजूल खर्च करिए मत और लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइए. सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अपग्रेड योर स्किल्स. आपकी स्किल्स अपग्रेड से मतलब आप, हमारा डायरेक्टली यही है कि आप जो भी सीख कर आए हैं पहले अपने फील्ड में, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी लाइसेंसेस करवाना स्टार्ट कर दीजिए. क्योंकि गाइस यहाँ पर हर चीज़ आपके लाइसेंस पर डिपेंड करती है. आपको कोई भी चीज़ के अंदर एक्सेल करना है तो आपके पास उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को जॉब मार्केट के अंदर सस्टेन कर सके. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा. और आप अपने आपको जब 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर आप कंपेयर कर लेते हैं, या फिर आप बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन आपको पता लग ही जाएगा कि आपको इस टाइप पे कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और वो आप कहाँ से ले सकते हैं. तो अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने सर्टिफिकेशन पे काम कीजिएगा, एंड ट्राई टू गेट ऑल दोज सर्टिफिकेट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर जॉब फर्दर. तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ डोंट परचेज न्यू थिंग्स, मीन्स डोंट रिलाई ऑन न्यू थिंग्स. ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए कि आपको नई चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है. यहाँ पर आपको सेकेंड हैंड चीज़ें बहुत सारी मिल जाती है गाइज. तो गाइज यहाँ पर एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर, जो कि एक फेसबुक का ही फीचर है, आप अपनी लोकेशन चेंज कर वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको बहुत सारी यूज्ड आइटम की लिस्ट मिल जाती है जिससे आप बहुत ईजीली ले सकते हैं.
आपको नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मार्केट प्लेस पे अपनी जो भी रेलिवेंट चीज़ है वो सर्च कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा गाइस कि आप जो पैसा अपना किसी भी चीज़ नई चीज़ को खरीदने में लगा रहे हैं उसका अमाउंट आप यहाँ पे कम कर सकते हैं किसी यूज चीज़ को खरीद के। तो आई थिंक अपने एक्सपेंसेस बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है और आप इस इतने ड्यूरेशन के अंदर अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। सो गाइज, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपेंस मैनेज करने का तरीका है दैट इज़ देयर GIC। GIC अमाउंट हम सबको पता है कि हम जब कनाडा में आते हैं तो एक अमाउंट हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट होता है जो कि आपको पार्शियली एक मंथली पेमेंट मिलती रहती है जिसको आप यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट GIC अमाउंट एंड ट्राई टू सेव इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज जो आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस है वो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, डोंट इन्फ्लुएंस विद योर सराउंडिंग्स एंड ट्राई टू मैनेज योर एक्सपेंसिस अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट एंड लिमिट्स एंड दैट विल बी अ गुड आइडिया टू सस्टेन इन कैनेडा। आई होप सो गाइज, ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा एंड इस वीडियो के अंदर आपको ये पता लग गया होगा कि ऐसी कौन सी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते और जिनका आपको स्पेशल ध्यान देना है जब आप कनाडा में हैं या फिर अभी आप कनाडा में आ रहे हैं। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन बटन इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू गेट द नोटिफिकेशंस। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।